हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ, फुल क्रिएटिव आईज ट्यूटोरियल। कुछ डिफरेंट टाइप का आई मेकअप है, आप स्क्रीन पे देखें। स्क्रीन पे आईब्रोज और बेस कंप्लीट करके मैंने लाइट शेड पिंक कलर लेके लाइट क्रीज बनाया है। मैंने लाइट क्रीज आप देखेंगे इनर कॉर्नर पे बना है और हाफ बना हुआ है। ये हाफ क्रीज है, फुल नहीं। इसमें बनाना है आपको, ये ध्यान रखना है। लाइट पिंक कलर से स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड किया, फिर फ्लैट कंसीलर ब्रश फ्लैट लेके उस क्रीज को क्लीन फिनिश देने लगे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने पतले ब्रश से लाइट कंसीलर लेके थोड़ा सा उसको क्रीज बनाया है। हाफ ही क्रीज बननी है, ये ध्यान में रखना है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे आपको करना है। इसके बाद मैंने पेंसिल लाइनर लिया है ब्लू, और लाइनर का शेप देने लगे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, लाइनर का शेप देते देते हम लोग विंग्स जो क्रिएट करेंगे वो बहुत ही स्ट्रेट बनेगी। क्लासिक नहीं बनाना है या कोई ड्रामेटिक नहीं बनाना है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन आपको लाइनर लगाना है और फिर स्मर्ज करना है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से। अभी मैं लाइनर से ही कर रही हूँ, पेंसिल लाइनर से, और क्रीज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कैसे बाहर की तरफ जा रहा है आईज के। फिनिश लुक देने के बाद आपको ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लू शेडो लेके थोड़ा सा उसको स्मर्ज करना है, अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करना है। मैंने ब्लेंडिंग करके तैयार कर लिया, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और स्काई ब्लू कलर लेकर हल्का सा उसका टचअप थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए स्मज किया उस कलर से। अब आप देख रहे होंगे एक लाइनर का शेप स्ट्रेट जा रहा है और जो आपकी क्रिएटिव क्रीज बनी है वो हाफ ही गई है। अच्छे से इसका फाइन शेप देने के बाद फ्लैट ब्रश से मैंने इनर कॉर्नर बनाना स्टार्ट किया, वो भी शेडो से बनाना है। ये आपको लाइनर या पेंसिल लाइनर से नहीं बनाना है, मैंने शेडो लेकर के फ्लैट ब्रश से बनाया है। फिर हुडा ब्यूटी की पैलेट से मैंने सिल्वर कलर लिया है जो कि हाई पिगमेंट नहीं है ग्लिटर, ये प्रेस ग्लिटर है। इसका एप्लीकेशन मैंने किया है जो बीच का एरिया है क्रीज का, उसमें किया है। फुल क्रीज पे आपको करना है लाइट कवरेज देके। फिर इसके बाद मैंने लास्ट में इसमें लैसेस लगाए ग्लू के साथ, उसको फिक्स करने लगी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसको अच्छे से फिक्स किया। देन इसके बाद मैंने लाइनर लिया ब्लू कलर का और उसको शेप देने लगे, क्योंकि आईब्रोज जब आई लैसेस आप लगाइए तो उसके बाद थोड़ा सा वो मिसमैच करने के लिए लगाना पड़ता है। आप फिनिशिंग के लिए देख रहे होंगे, अब मैंने लाइनर डन करने के बाद उस पर स्टोन रखे हैं छोटे छोटे। आप देख रहे होंगे क्रिएटिव लुक कैसा दिख रहा है स्क्रीन पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ